ਉਰੇ ਹਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦਾ ਹੋ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਲੱਭੇ ਫੋਟੋਆਂ ਏਰੀਆ ਸਾ। तो गाइस जैसे कि अभी अभी आपने प्रीव्यू में ये इंस्टाग्राम की वायरल रील देखी है, गाइस ये वीडियो इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल चल रही है और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बिल्कुल इजी मेथड से इस रील वीडियो की एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर के आ गया। तो गाइस जैसे ही आप इस वीडियो को फुल एंड तक देख लेंगे तो आप इजी मेथड से इस वीडियो की एडिटिंग करना सीख जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम टू गेट स्टार्ट वीडियो। बट अगर अभी आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए न्यू से न्यू ट्रेंडिंग रील्स की एडिटिंग डेली ट्यूटोरियल लाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अब मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन को ओपन कर लिया। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर एक VPN ऐप को प्ले स्टोर से या आईफोन में ऐप स्टोर से डाउनलोड करके कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइज एडिटिंग के लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर कैपकट ऐप को डाउनलोड कर लेना है, अगर आपके फ़ोन में कैपकट ऐप है। अगर नहीं भी है और लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड करना चाहते हैं, सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कैपकट डाउनलोड लिंक मैंने आपको दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप कैपकट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एडिटिंग के लिए न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। गाइज यहाँ से मैं अपनी एक वीडियो ऐड कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने अपनी एक ये वीडियो ऐड कर ली है। सबसे पहले मैं इस वीडियो का म्यूज़िक को म्यूट कर दूंगा, क्योंकि हम बाहर आउटडोर में शूट करते हैं तो म्यूज़िक आ ही जाता है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हमें जानना है गाइज 4 सेकंड पर। ये देखिए 4 सेकंड पर मैं आ गया। 4 सेकंड पर आने के बाद 2 फिंगर की मदद से जूम करना है। यानी कि 4 सेकंड पर आने के बाद गाइज मैंने 2 फिंगर की मदद से पहले जूम किया, ये देखिए 4 सेकंड। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करना है, ये देखिए गाइज स्क्रॉल करने के बाद आप देख रहे होंगे कि 18F, 20F, 22F, 24F। और जैसे गाइज हम थोड़ा कम करेंगे ना तो यहाँ पर आएगा गाइज यहाँ से देखिए 24F। ठीक है, 24F पर आकर के रोकना है, वीडियो पर क्लिक करना है और स्प्लिट कर देना। ठीक है, 4.24F पर आने के बाद वीडियो पर कट लगा देना है। अब केस क्या करना है, हमें सबसे पहले गाइस हमें इसके अंदर एक ऑडियो ऐड करनी है। तो ऑडियो ऐड करने के लिए ऐड ऑडियो पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्टेड पर क्लिक करना है। और गाइस यहाँ से मैं एक ऑडियो ऐड कर लेता हूँ जो कि ये ऑडियो और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रही है। अब जितनी बड़ी मेरी ऑडियो है इस ऑडियो के बराबर मैं क्लिक करता हूँ और अपनी वीडियो पर क्लिक करके गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर स्पीड पर क्लिक करेंगे, नॉर्मल पर क्लिक करेंगे और इसको कर लेंगे 0.1x। ओके, देन राइट पर क्लिक कर देंगे। राइट पर क्लिक करने के बाद अब जितनी बड़ी हमारी ऑडियो है इस ऑडियो के बराबर अपनी वीडियो पर क्लिक करना है और स्प्लिट कर देना है। लास्ट वाले पार्ट को डिलीट कर देना है। इसके लास्ट में एक छोटा सा वाइटर मार्क आएगा, इसको भी डिलीट कर देना है। अब गाइस जो हमारा लास्ट वाले पार्ट में हमने स्लो मोशन लगाया था, इस पर क्लिक करते हैं, स्पीड पर क्लिक करते हैं, नॉर्मल पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हमने 0.1x तो कर दिया था, बट यहाँ पर मेक इट स्मूथर पर क्लिक करना है, वाइटर क्वालिटी पर क्लिक करके यहाँ राइट पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होता है, हमारी वीडियो के अंदर वाइटर क्वालिटी में स्लो मोशन ऐड हो जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपको बेटर एंड गुड इजी तरीके से रील्स एडिटिंग सिखाता हूँ। अभी स्टार्टिंग में आना है, अपनी फर्स्ट वाले पार्ट पर क्लिक करना है। फर्स्ट वाले पार्ट पर हमें कोई भी स्लो या स्पीड नहीं लगानी है। फर्स्ट वाले पार्ट पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्या जाना, थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर मिलेगा फिल्टर्स, फिल्टर्स पर क्लिक करना है, थोड़ा और स्क्रॉल करना है, यहाँ पर मिलेगा मोनो, मोनो पर क्लिक करना है। देन गाइस जस्ट थोड़ा सा और स्क्रॉल करने के बाद VW3 पर क्लिक कर देना है और VW3 पर क्लिक करने के बाद गाइस इसको यहाँ से फुल कर दे रहा है। देन यहाँ राइट पर क्लिक कर देती है, हमारा ब्लैक एंड व्हाइट लग चुका है बट अभी हमारा काम नहीं हुआ है। हमें क्या ना है, बैक आना है। बैक आने के बाद अपनी वीडियो पर क्लिक करना है, एनिमेशन पर क्लिक करना है और यहाँ से फेड इन लगा देना है। बट इसकी जो लेयर है ये हमें करनी है वन सेकेंड की। ओके, ये देखिए वन सेकेंड के। देन यहाँ राइट पर क्लिक कर देना है, फिर से स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर क्लिक करना है। देन उसके बाद गाइस हेलो ब्लर पर क्लिक करके एक बार इसकी इंटेंसिटी को फुल कर देना है। देन इसकी स्पीड को कर देते हैं 15 सेकेंड की। ओके, हमें यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है। अब जितना बड़ा वाला हमारा यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट था, सेकंड वाले पार्ट तक हम लगा देते हैं। अब उसके बाद सेकंड वाले पार्ट पर क्लिक करना है, एनिमेशन पर क्लिक करना है, देन लास्ट में जाना है। जैसे हम सबसे लास्ट में चले जाएंगे ना, उसके बाद गाइस हमें यहाँ पर मिलेगा स्विंग राइट। ठीक है, स्विंग राइट, इस स्विंग राइट पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ नीचे राइट पर क्लिक कर देना है। बस जो हमारी रील है वो यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी रील कुछ ही मिनट्स के अंदर कितनी प्रोफेशनल एडिट हो चुकी है। सो आपने देखा सेम वही प्रोफेशनल तरीके से हमारा रील जब यहाँ पर एडिट हो चुकी है, इस रील को मैं भी अपलोड करने वाला हूँ। तो आप भी बनाइए और रील्स को अपलोड करिए और वायरल कर लो गाइज। ओके, सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू ट्रेंड के साथ। वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर एरो पर क्लिक करना है, आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी।